हेलो एवरीवन, वेलकम टू किचन बोर्ड। अब दिवाली आ रही है, अब फेस्टिवल स्टार्ट हो रहा है, तो क्यों ना हम कुछ मीठा बनाएं। तो हमने आपके लिए ये तैयार किए हैं पान के लड्डू। तो देखें, गुलकंद पान के लड्डू हैं, मिनटों में बन जाते हैं ये। तो आपको ना गैस जलानी है, तो आपने बस सामान लेकर आना है और ऐसे ही बना लेंगे हम। देखिए कितने अच्छे बने हैं ये पान के लड्डू। अगर आप ये बनाना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ किचन में, जल्दी से बनाते हैं ये पान गुलकंद के लड्डू। ये पत्ते लिए हैं ये मैंने 4 पान के पत्ते लिए हैं। इसकी हम ये इसको काट लेंगे, इस डंडी को। ये मैंने गुलकंद लिया है, 3 टेबलस्पून मैंने लिया है गुलकंद। आपको किसी भी पान वाली शॉप से ये मिल जाएगा, आप इसको घर पे भी बना सकते हैं। ये मैंने लिया है 1 टेबलस्पून मीठी सौंफ ली है। अगर ये नहीं है, ये गुलकंद बनाने के लिए जब हम इसका बैटर बनाएंगे। ये मैंने ड्राई फ्रूट लिया है, ये मैंने बादाम ही लिया है खाली। ये मैंने टूटी फूटी ली है, मैंने 3 टेबलस्पून मैंने ली है पीसी हुई चीनी। हाफ कप लिया है मैंने कोकोनट, ग्रेटेड कोकोनट है, ये मार्केट से ऐसे ही मिल गया था। और ये मैंने लिए हैं कलर, ये मैंने ग्रीन कलर लिया है क्योंकि हम पान वाला बना रहे हैं। और ये मैंने रेड कलर लिया है, गुलकंद के बीच में हम डालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसको काट लेंगे, ये जो डंटल सा है इसका, तो हम इसको अलग कर देंगे। हम इसको ऐसे, ये हम इसकी ये जो चीज़ है इसको हम अलग कर देंगे, सारे ही हम ऐसे काट लेंगे। ये देखें, ये कट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसको पीसेंगे। ये हमने इसमें डाल देंगे हम कोकोनट, साथ में ही हम डाल देंगे ये शक्कर चीनी, साथ में हम ये ऐसे तोड़ के थोड़े से ऐसे पत्ते डाल देंगे। 1/4 कप हम डालेंगे दूध, इससे क्या होगा एक लिक्विड सा बन जाएगा हमारा। अब हम इसको बीट कर लेंगे। ये देखिए हमने बीट कर लिया है, बट ये अभी पतला है थोड़ा सा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 2 टेबलस्पून हम कोकोनट ऑयल डाल देंगे इसमें, जिससे बाइंडिंग हो जाएगी। इसको फिर हम इसको अच्छी तरह ऐसे कर लेंगे। देखिए अभी हमने कलर नहीं डाला इसमें, बट बड़ा अच्छा इसका कलर आया है। तो हमें देखो कलर डालने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल दें कलर, बट मैं अब इस कलर को अवॉइड ही कर रही हूँ क्योंकि पान के पत्तों से ही कलर कितना अच्छा आ गया है। ये थोड़े से मैंने पत्ते ऐसे रहने दिए हैं। ये देखिए ये बाइंडिंग सी हो गई है ये लड्डू। ये मैंने लिए थे गुलकंद, ये गुलकंद डाल दिया मैंने, इसके साथ मैंने डाली सौंफ, बीच में डाला मैंने बादाम, साथ में थोड़ी सी डाली मैंने टूटी फूटी। जो आपने डालना है आप वो डालिए, और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा रेड कलर। ये मैंने एक ड्रॉप डाल दिया लिक्विड कलर, आप कोई भी फूड कलर डाल सकते हैं। अब मैं इसको इसके साथ मिक्स कर दूंगी, इससे क्या होगा रेड कलर आ जाएगा ये हमारा। ये हम इसके सारे इसके बीच में मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास वो सौंफ पड़ी होती है, जो हम खाना खाने के बाद मीठी सौंफ होती है, इसमें सुपारी वगैरह भी होती है, अगर आप वो भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसमें हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे, हम इसकी गोल गोल ऐसे बॉल्स बना लेंगे। आपको जितनी बड़ी चाहिए आप उतनी बड़ी बनाएं, ये बहुत है। बस हम ऐसे ही सारी बॉल्स रेडी कर लें। पहले हम इसकी बॉल रेडी करेंगे, फिर हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे, टिक्की टाइप बनाएंगे। ऐसे से आप प्रेस करके अब हम इसमें ये बॉल रख देंगे और इसको साइड से ऊपर से हम ऐसे प्रेस कर लेंगे। ना अच्छा लड्डू रेडी हो चुका है, ऐसे ही बाकी के हम बना लेंगे। ये देखिए हमारे लड्डू रेडी हो चुके हैं, ये हमने बना दिए हैं। अब आप क्या करेंगे, ग्रेटेड ये कोकोनट भी ले सकते हैं। ये देखिए आप आधे ऐसे कर सकते हैं, आपको मैं दिखाती हूँ कि आपका जैसा मन करे आप इसके साथ रख सकते हैं, ये इसके बिना है। देखिए
चार में ऐसे रख देती हूँ और तीन में कोकोनट के साथ रख देती हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा गुलकंद लगा देंगे, ये ऐसे। आपको जो अच्छे लगते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं कि आपने ग्रेटेड वाले करने हैं इसको साइडों में, तो आप ऐसे कीजिए। अगर आपको अच्छे लगते हैं कि आपने ऐसे करने हैं, तो आप ऐसे कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे रेडी हो चुके हैं पान के लड्डू। ये देखिए, ये हमने बाहर इसकी कोकोनट नहीं लगाया और इसके बाहर हमने लगाया है, ऊपर हमने गुलकंद लगा दिया है। तो कितने टेस्टी लग रहे हैं ये, और हमारे झटपट से रेडी हो चुके हैं ये पान के लड्डू, पान गुलकंद के लड्डू। तो आप इसको बनाइए। आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ ये कैसे बने हैं, तो तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इसका लग रहा है ये, तो आप इसको खाएं और बनाएं। देखिए कितना अच्छा बना है ये, झटपट से ये बन जाते हैं ये पान के लड्डू। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।